नमस्कार दोस्तों, मैं मकवाणा धर्मेश भाई जे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति भावनगर संचालित श्री गौतम बुद्ध प्राथमिक शाला फूलसर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जब इस कोरोना की महामारी में हम घर बैठे ही अपना अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे में आपको दिए गए घरे शिखिए पुस्तक के आधार पर हिंदी के विषय में आने वाली एक प्रवृत्ति तेरी है जमी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम इस प्रार्थना गीत का रसास्वाद प्राप्त करते हैं। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। We'll be right back.
इसको देखा ना बच्चों, एक द बर्निंग ट्रेन नामक फिल्म से लिया गया यह प्रार्थना गीत, जिसके बोल थे तेरी है जमी। इस काव्य में, इस प्रार्थना गीत में बहुत सी बातों को बताया गया है, जिसमें प्रभु से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि ये धरती, ये आसमान, ये सूरज सभी तेरे है और तू ही चाहे तो हमें बचा सकता है। इस काव्य के रसास्वाद के बाद बच्चों हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं। आपने सुना कि किस प्रकार इस काव्य में अनेकों शब्द आते हैं, जैसे कि देश, भाषा, सूरज, चंदा, बहुत से शब्द आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको एकवचन एवं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपके लिए कुछ स्वयं की जाने वाली प्रवृत्ति है, जिसमें एक गेंद अनेक गेंदे, एक बहन अनेक बहने, एक छतरी अनेक, एक रोटी अनेक। तो इस प्रकार एक शब्द के एक वचन एवं बहुवचन का जो स्वरूप है वह आज हम सीखेंगे। वचन परिवर्तन के लिए वचन के सामान्य कुछ नियम है, जिनकी माहिती भी हम प्राप्त करेंगे। वचन का परिचय एवं उसके प्रकार। वचन की परिभाषा देखें तो सामान्यतः वचन शब्द का अर्थ संख्या से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है एक, दो, एक से अधिक। वचन के कुल दो प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार एकवचन और दूसरा प्रकार बहुवचन। वचन की परिभाषा देखें तो एक वचन के परिभाषा के रूप में विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता, है आदि शब्द हिंदी में एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर, भाग्य आदि जैसे शब्द भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता आदि शब्द सदैव एक वचन में आते हैं। इसके अलावा बाल, भीड़, दल, वर्षा, घी जैसे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते। अब देखते हैं बहुवचन की परिभाषा। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन, भैंस भैंसे, बात बाते, गाय गाये, मिठाई मिठाइयां, बहन बहने, तितली तितलियां, पत्ता पत्ते। हिंदी में निम्नलिखित शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यथा आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय,
व्यक्ति आदि। वचन परिवर्तन के हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन का बहुवचन करने के लिए कुछ नियमों को जानना जरूरी है। वह नियम है, नियम नंबर एक, शब्द के अंत में आने वाले आ को ए के रूप में बदलना, जैसे कमरा कमरे, लड़का लड़के, गमला गमले, बेटा बेटी, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले। नियम दो, शब्द के अंत में आने वाले अ को ए के रूप में बदलना, जैसे पुस्तक पुस्तके, दाल दाले, दीवार दीवारे, सड़क सड़के, कलम कलमे आदि। नियम तीन, शब्द के अंत में आने वाले ई को इया के रूप में बदलना, जैसे दवाई दवाइयां, लड़की लड़कियां, साड़ी साड़ियां, नदी नदियां, खिड़की खिड़कियां, स्त्री स्त्रियां। नियम चार, एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर भी एक वचन का बहुवचन किया जाता है, यथा गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापकगण, लेखक लेखक वृंद, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्तजन, मंत्री मंत्रीगण आदि। विशेष, संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, यथा बच्चों आपने वचन का परिचय प्राप्त किया, उनके प्रकार की समझ प्राप्त की। तो अब आपके लिए एक स्वाध्याय कार्य भी है जो आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलिए। आप सबने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और अपनी कॉपी में उसको लिखना होगा। धन्यवाद।